नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग, आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरुभंकर भारती पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लगातार बढ़ते हुए क्रम में पढ़ते जा रहे हैं, आप भी पढ़िए। अगर आपको कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप एक से दो बार तीन बार आप देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों के पास इतना अच्छा टेक्निक मतलब सब चीजें नहीं है, इसलिए और अगर अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों को लाइव क्लास रहेगा। और 1 मार्च से इतिहास का दोनों टाइम मतलब सुबह और शाम आपको वीडियो मिलेगा, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, एनटीए नेट जीआरएफ के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपका और आपको पूरा सिलेबस पूरा कवर होगा, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स अपने सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखते हैं खंड दर्शन के बारे में, और कुछ दर्शन के बारे में है तो हम लोग 6 दर्शन जो है उसके उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खंड दर्शन में जैसे सांख्य दर्शन 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन और वेदांत। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, वो कपिल मुनि माने गए। कपिल एक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण की, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कालिका, जो प्राचीनतम इसका प्राचीनतम ग्रंथ है सांख्य दर्शन का, इसके आधारित है। इसका आधारभूत सिद्धांत है कि जो जगत की उत्पत्ति संसार की उत्पत्ति मतलब वो पुरुष और प्रकृति दोनों के सहयोग से हुई और ईश्वर के माध्यम से नहीं हुई, ऐसा सांख्य दर्शन को वाले मानते हैं। और सांख्य दर्शन में यह नहीं है कि ईश्वर का खंडन किया गया है, बल्कि उनको अपने पूजा यात्रा आराधना में है ना, यानी पूजा अर्चना अपना जो भी है उसमें महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं सांख्य दर्शन में। और सांख्य दर्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव जैन धर्म पर पड़ा, जैन धर्म पर। इसके सांख्य दर्शन से संबंधित त्रिगुण सिद्धांत है। त्रिगुण सिद्धांत जैसे सतगुण, रजगुण और तमगुण, इसी को मिला के तीनों गुणों को मिलाकर त्रिगुण सिद्धांत माना गया है सांख्य दर्शन में। तो फ्रेंड्स सांख्य दर्शन के बारे में और आगे देखते हैं। योग सूत्र, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, इन्होंने योग सूत्र की रचना की, योग सूत्र की रचना और अष्टांगिक योग के माध्यम से अष्टांगिक योग का मार्ग बताया। जैसे इन्होंने कहा कि आसान मतलब आसन और प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम से ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। फ्रेंड्स, व्यास ने योग सूत्र पर टीका लिखा है, एग्जाम में पूछता है योग सूत्र पर टीका है, और इसका अरबी भाषा में अनुवाद, योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद
अलबरूनी ने किया, अलबरूनी ने किया। फ्रेंड्स चलिए योग दर्शन के बारे में हुआ, देखते हैं न्याय दर्शन। तीसरा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक जो है गौतम थे। अच्छा पवाद इनको बोला जाता है गौतम। और ये न्याय सूत्र की रचना की है, न्याय सूत्र की रचना इसे भारती तर्क विद्या का, तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। इनके अनुसार न्याय दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु को हम तभी स्वीकार करें, स्वीकार करें जब हम उससे संतुष्ट हो जाएं। और उसके प्रमाण के लिए चार चीजें बताए, न्याय दर्शन बताया गया है जिसमें कहा गया है कि अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान और सब। जब हम इससे संतुष्ट हो जाए तभी हम किसी चीज को स्वीकार करें, ऐसा न्याय दर्शन में कहा गया है। तो न्याय सूत्र जिनकी गौतम की रचना, तो उसको भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, एग्जाम में पूछता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, वैशेषिक दर्शन, ये चौथा दर्शन है, वैशेषिक दर्शन। फ्रेंड्स इसके प्रवर्तक कड़ाक मुनि, कड़ाक मुनि। और इनकी रचना वैशिक सूत्र, वैशिक सूत्र की रचना करते हैं। फ्रेंड्स इनका जो इनका मत है, और इनको जो है परमाणुवाद की स्थापना, परमाणुवाद की स्थापना और भौतिक शास्त्र का आरंभ, भौतिक शास्त्र का आरंभ इनसे माना जाता है। इनका मत है कि इस संसार में कोई भी पदार्थ पांच वस्तुओं को मिलाकर बन सकता है, पांच वस्तु, पंच महावस्तु कहा गया है, जैसे पृथ्वी, आकाश, पावन, पवन, जल और अग्नि। इससे कोई भी पदार्थ बन सकता है। इस कड़ाक मुनि के माध्यम से जो वैशेषिक सूत्र है हम पता कर पाते हैं। हमें कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत, भारतीय संदर्भ में या सबसे प्राचीन परमाणु शब्द को कहां से मिलता है, हमें कड़ाक मुनि के द्वारा मिलता है, वैशेषिक सूत्र में। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आते हैं। और पांचवा दर्शन है, पांचवा दर्शन है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। इसके प्रवर्तक है जैमिनी, जैमिनी। और इससे संबंधित है कुमारी भट्ट, कुमारी भट्ट और प्रभाकर भट्ट। कुमारिल भट्ट जो है, कुमारिल भट्ट बौद्धों का खंडन करते हैं, बौद्धों का खंडन करते हैं, खंडन यानी जो बौद्ध धर्म है उसका खंडन करते हैं और वेद को ही सत्य मानते हैं। उनके अनुसार कुमारिल भट्ट या मीमांसा दर्शन के अनुसार कि वेद में जो वर्णित कर्म है, वेद में वर्णित कर्म ही धर्म है, ऐसा मीमांसा दर्शन के अनुसार है। और वेद को अपुरुषीय माना गया कि उसे पुरुष ने नहीं लिखा हुआ, ईश्वर मतलब सीधा सीधा देवता क्या हुआ है। और
वेद को नित्य माना गया, वेद को नित्य माना गया मीमांसा दर्शन के अनुसार। और चलिए लास्ट में हम देखते हैं वेदांत दर्शन। फ्रेंड्स लास्ट में छठा नंबर पे वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन इसके प्रवर्तक वाद रायन है और इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना किया, ब्रह्मसूत्र की रचना। फ्रेंड्स जैसे वेदांत उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, इसलिए ये जो वेदांत दर्शन है इसका मूल उपनिषद ही है, मूल उपनिषद है। इसके अनुसार कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म वास्तविक और सत्य है, वास्तविक या सत्य है, बाकी संसार में कुछ नहीं है, जो भी सत्य है वह ब्रह्म है, ब्रह्मा। और इससे संबंधित शंकराचार्य और रामानुज थे, रामानुज इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखे। शंकराचार्य निर्गुण उपासक। ये शंकराचार्य ज्ञान को आधार मानकर कि ज्ञान के माध्यम से हमको मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी, ब्रह्म वास्तविक सत्य हम जान सकेंगे, तो ये निर्गुण उपासक के रूप में थे शंकराचार्य। और रामानुज सगुण मतलब भक्ति के माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं और भक्ति भाव के माध्यम से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग एक पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में उसे देखे और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है फ्रेंड्स। और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और आप अगर आप अभी तक हमारे मॉक टेस्ट में सीरीज में एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अब मौका बहुत कम बचा है, तो फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट में एडमिशन जरूर लें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होगा जेआरएफ नेट सेट के लिए, आप जरूर एडमिशन लें फ्रेंड्स, ओनली 499 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।